मात्र 79,000 में 7 फीट 48 ब्लेड मिलेगा। जी जी, 7 फीट 48 ब्लेड में 79,000 रुपए में रोटावेटर कहीं भी ऑल इंडिया हम प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये हमारा जो है 4x4 का है हमारा। अच्छा, इससे बड़ा कोई मार्केट में बना ही नहीं रहा है। इसके अंदर हमने पहले तो इसको पंखा बड़ा किया है, इसका हमारा पंखा बड़ा कर दिया है। हाँ, ये बेटे हमारा जो इसमें ट्रैक्टर में यूज होता है। हाँ जी, अगले टायरों में ये गुड्डी वाला है इसमें। अच्छा जी जी, ये और भी अच्छा बनाता है चलने का। क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं हमने, गुड़ियर का है। अच्छा, अब हमारे किसान साथियों को अपना नाम और अपना गांव बताइए। मेरा नाम है संजय सलावास, हरियाणा, जिला झज्जर। हरियाणा से आए हो? हाँ जी। जैसे कि आपने ये धान चलना लिया है, तो आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी है? क्वालिटी मेरे अभी तो अच्छी लग रही है, और चलने में पता चलेगा। अच्छा, किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज मैं आया हूँ न्यू नफीस एग्रीकल्चर, और ये जो पड़ता है ये पड़ता है गढ़ मुक्तेश्वर में नियर शिवा टूरिस्ट ढाबा के पास। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं रोटावेटर। जैसे कि अब धान का सीजन आ चुका है, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं धान चलने, जो कि न्यू नफीस वालों के काफ़ी फेमस हैं। हमारे सामने खड़े हुए हैं न्यू नफीस के ओनर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हमारा न्यू नफीस एग्रीकल्चर के सामने हमारी फार्म चल रही है। लगभग 40-45 साल हो चुके हैं इस फार्म को चलते हुए, और हम किसानों से संबंधित सभी कृषि यंत्र बनाते हैं। जैसे आपका हो गया थ्रेशर, हो गया रोटावेटर, हो गया हैरो है, टीलर है, किसानों संबंधित सारा आइटम हम बनाते हैं। अच्छा, जो भी किसानी में यूज होते हैं। हाँ, सारे ही कृषि यंत्र बनाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग हम बनाते रहते हैं। अच्छा, जैसे कि हम इधर देख रहे हैं रोटावेटर भी रखे हुए हैं, और थ्रेशर भी है, और जैसे कि अब सीजन है धान चलने का। जी जी बिल्कुल। तो आप एक बात बताइए, मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो धान चलना बना रही हैं, किसान आपके धान चलने की तरफ कैसे जाए? देखो, मैं आपको बताऊँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, जो धान चलने मार्केट में बन रहे हैं हमारा, उससे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है क्वालिटी में। अच्छा, देखो धान चलने तो मैं आपको बताऊँ सभी बना रहे हैं मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी। पर क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा मार्केट के अंदर, मैं आपको बताऊँ। हाँ जी। जैसे ये एक हमारा ये धान चलना खड़ा है ये। हाँ जी। हाँ जी। इसके अंदर हमने पहले तो इसको पंखा बड़ा किया है, इसका हमारा पंखा बड़ा कर दिया है। हाँ, ये करीब 200 हमने इसको पंखे को बढ़ा दिया है। अच्छा जी, बाकी छोटा पंखा आता है, बाकी सब मार्केट के अंदर आप देखेंगे छोटा पंखा इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, जो मार्केट में मिलता है। अच्छा, और जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें आपने एलिवेटर का भी इस्तेमाल किया है। ये हमारा जो एलिवेटर है हमारा 8 फुट का, इसकी लंबाई जो है 8 फुट है। अच्छा। हाँ। बाकी जो मार्केट में उनकी कितनी होती है? देखो मार्केट में तो ये है 1-1, 2-2 फुट लोग कम कर लेते हैं, मैं आपको बताऊँ इसमें। अच्छा। हाँ। आपकी पूरी है, पूरी लंबाई है, आप चेक भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी जी। और जैसे कि हम इसका देख रहे हैं, जैसे कि आपने इसमें ये चैनल वगैरह लगाए हैं, ये कितने हैवी लगाए हैं? ये हमारा जो है इसका 4 इंची का चैनल हम इसमें लगाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं। हाँ जी। ये जो हमने ये इसका फ्रेम बनाया है, हाँ मार्केट में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, लोग क्या करते हैं, लोहा बचाने के लिए ये लगाते ही नहीं है, कहीं 50-60 किलो लोहा खींच लेते हैं। अच्छा। हाँ, उससे क्या होता है, जब किसानों को काफ़ी परेशानी पड़ती है धान डालने में। हाँ जी। हाँ, ये यहाँ से ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा। तो किसान आसानी से धान गिर सकता है, इसके ऊपर आराम से चढ़ के आप धान डाल सकते हैं आराम। अच्छा। से कोई परेशानी नहीं है। ये आपने अलग से स्टैंड बना के दिया है? ये अलग से हमने लगा के दिया है। दूसरी बात, हमने इसके अंदर जो है, हाँ जी, ये इधर भी हमने 4 इंची का चैनल लगाया हुआ है। देखो मार्केट में मैं देखता हूँ कि 2 इंची की एंगल लगा देते हैं इसके अंदर। अच्छा। हाँ हाँ, जो मजबूत आई है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है? मजबूत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये हमारा जो है 4x4 का है हमारा। अच्छा। इससे बड़ा कोई मार्केट में बना ही नहीं रहा है। अच्छा। और इससे छोटा भी नहीं बना। दूसरी बात यह है, मैं आपको भाव बताऊं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ जी। मैंने जो रिसर्च किया है मार्केट के अंदर, हाँ जी, वेल्डिंग के अंदर सफाई नहीं है। अच्छा। लोग चलना बना रहे हैं, पेडी क्लीनर बना रहे हैं, पर उनके चलने में सफाई नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी। वेल्डिंग देखोगे ये उल्टा सीधा मार दिया है। हाँ, क्वालिटी में बिल्कुल लो क्वालिटी के बना रहा है। हाँ जी। हमने क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। 50-60 किलो जो और मार्केट के अंदर चलने बनना है, 50-60 किलो हमारा में उसमें लोहा फालतू ही मिलेगा। अच्छा, जो वजन है वो फालतू रहेगा? जी 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 जी। अच्छा, जैसे कि किसी का 5.5 क्विंटल है तो हाँ हमारा 6 क्विंटल मिलेगा, किसी का 5 क्विंटल है तो हमारा 5.5 मिलेगा। अच्छा जी जी। मजबूत आई में और वजन में सबसे आगे होने वाला है, पूरा ख्याल रखा गया है। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं आपने जो इसमें बैरिंग वगैरह लगाए हैं, सर वे किस क्वालिटी के लगाए हैं? बेरिंग है हमारा यूसी बेरिंग है, 206 नंबर का आता है। अच्छा जी जी जी। क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर, क्वालिटी हमने मेंटेन करके रख रखी है जो बात है। अच्छा जी। और जैसे कि मार्केट में मैं देख रहा हूँ
कि ये अधिकतर जो टायर मिल रहे हैं वो गाड़ी वाला सेट ही मिल रहा है जो बुग्गी वाला सेट होता है। जो है इधर दिखाइए 6-16 का सेट है हमारा जो इसमें ट्रैक्टर में यूज होता है। हाँ जी अगले टायर वाला ये गुड्डी वाला है इसमें। अच्छा जी 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 ये और भी अच्छा बनाता है चलने क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं हमने। गुडियर का है। अच्छा गुडियर का है। गुडियर कंपनी का है। अच्छा अच्छा और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ इसमें जो है हमने जो सेटिंग करी है जैसे मान लो आपका ये पटास जो है इसमें जैसे ये यहाँ से हम आपको एडजस्टिंग कर सकते हैं इसको। अच्छा हाँ जैसे जो गंदा धान आता है। हाँ जी तो यहाँ से इसकी एडजस्टिंग दिखाइए आप यहाँ से हवा का प्रेशर जैसे ज्यादा हो रहा है कम कर सकते हैं डाउन। अच्छा इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ इधर दिखाइए आप। हाँ जी ये जो हमने इसका ये पीछे बनाया है इसका हाँ खड़ा होने का सिस्टम पूरा। हाँ जी मैंने मार्केट के अंदर देखा लोगों ने 3 ऐसे ही 2-2 फिट के लगा दिए हैं। अच्छा लोहा बचाने के लिए। हाँ जी एक हमारा इसमें हवा का एडजस्टिंग यहाँ से भी होता है इसका। अच्छा यहाँ से भी हवा एडजस्ट हो जाती है मान लो हवा का प्रेशर अगर ऊपर करेंगे मान लो हवा का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है आपको कम करना है तो इसको यहाँ नीचे कर सकते हैं। अच्छा और अगर हवा का प्रेशर बढ़ाना है कम हो रहा है तो ऊपर कर सकते हैं। अच्छा और किसान की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पर कवर दिया गया कवर हमने इसमें लगाया हुआ है। अच्छा ऐसा है कभी किसान का हाथ वगैरह ना आ जाए। अच्छा क्वालिटी की पूरी मेंटेन करके रखा हुआ है। अच्छा अच्छा तो ये तो हो गया आपका टायर वाला। जी 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 कुछ किसान हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि हमें बिना टायर वाला चाहिए जो लिंक में चल रहा है। हाइड्रोलिक वाला भी हमारा ये अंदर आइए आपको मैं दिखा देता हूँ ये तैयार हो रहा है। हाँ जी ये हमारा हाइड्रोलिक वाला ये आपका हाइड्रोलिक वाला हो गया जो बिना टायरों के साथ आता है। इससे आराम से ऐसा होता है जैसे मान लो किसी किसान के पास बजट कम है। हाँ जी पैसों की शॉर्टेज है तो माना हुआ कोई किसान हाइड्रोलिक से उठाना चाहता है तो हाइड्रोलिक वाले को ले सकता है। अच्छा टायर वाले में और इसमें करीब 10,000 रुपये डिफरेंस है। अच्छा जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है सबसे वजन में फालतू है मजबूती के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है तो आप एक बात बताओ रेट कैसे होने वाले हैं। रेट सबसे ज़्यादा तो नहीं है। देखो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भाव बताऊँ रेट हमारा जो है। हाँ जी जो है रिजनेबल है बहुत ज़्यादा मार्केट से। हाँ जी मैंने आपको क्या बताया जो मार्केट में चलने बनना है मान लो कोई 5 क्विंटल है। हाँ जी उसमें अगर 5 क्विंटल है तो हमारे में 5.5 होगा किसी में अगर 6 क्विंटल है तो हमारे में 6.5 50 किलो लोहा हमारे मार्केट से फालतू मिलेगा। रेट फालतू तो नहीं होगा मार्केट रेट जो है मार्केट से जो है सबसे सस्ता होगा। अच्छा जो मार्केट का रेट है उससे भी कम। रेट क्या होने वाला है। देखो हमारा जो है टायर वाला जो है हमारा ये 75,000 रुपये का हम आपको दे देंगे। अच्छा और जैसे कि ये है लिंक वाला ये हमारा जो है हमने इसको 65,000 रुपये में आपको लिफ्ट वाला मिल जाएगा। लिफ्ट वाला 65,000 रुपये मिल जाएगा। अच्छा जो हमारे किसान साथी दूर से वीडियो देख रहे हैं तो ये आप कहाँ कहाँ तक पहुँचा देंगे। ये हमारा ऑल इंडिया कहीं भी डिलीवरी हम करा देंगे। अच्छा ये है मान लो अगर कोई यहाँ नहीं आना चाहता मिसाल के तौर पे। हाँ जी तो उसमें ये है हमारा करंट अकाउंट में हमारी फर्म का अकाउंट पैसे डालिए। अच्छा और हम आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए वहाँ पहुँचवा देंगे। अच्छा जी जी और हम इसमें ये है एक रोटावेटर भी बना रहे हैं। अच्छा जैसे कि हमारे सामने किसान खड़े हुए हैं इन्होंने आपका धान चलना लिया है आप एक बात और बताओ हमारे किसानों के मन में एक सवाल है कि आप इसकी गारंटी कितनी दे रहे हैं। देखो वारंटी में आपको बात बताऊँ मार्केट में लोग और भी चलने बना रहे हैं मेरे पास काफ़ी लोगों की कंप्लेंट भी आई है। हाँ जी लोग चलना बनाते हैं बेच देते हैं जब कंप्लेंट का नंबर आता है लोग करते ही नहीं है फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। हाँ जी जी मैंने ये देखा मार्केट का। तो आपकी कितनी वारंटी होने वाली है। वारंटी हमारी एक सीजन की होती है इसमें। अच्छा पूरे एक सीजन की वारंटी जहाँ भी ये खेत पे कहीं भी अगर चल रहा होगा या मंडी में कहीं भी वही हमारा यहाँ से बंदा पहुँचेगा वही सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड होगी। अच्छा सर्विस घर पे ही होगी वही मिलेगी सर्विस। अच्छा किसान भाइयों आपका परिचय किसान से कराते हैं या आप इधर देख सकते हैं गाड़ी लेकर आए हैं इस गाड़ी में एक चलना जाने वाला यही मॉडल तैयार किया गया है। मॉडल हमारा तैयार हो रहा है। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को अपना नाम और अपना गाँव बताइए। मेरा नाम है संजय सल्लावास हरियाणा जिला झज्जर। हरियाणा से आए हो। हाँ जी जैसे कि आपने ये धान चलना लिया है। हाँ धान चलना तो आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी है। क्वालिटी मेरे अभी तो अच्छी लग रही है और चलने में पता चलेगा। अच्छा तो आप इनके पास ही आए थे या फिर कहीं और जा रहे थे। और जा रहे थे लेकिन मैं इनका देखा था। अच्छा जी क्वालिटी इनकी बेटर लगी तो आपने यहीं से खरीद लिया। अच्छा रहने वाले आप हरियाणा के हो। हरियाणा के। अच्छा तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं हरियाणा तक के किसान यहाँ आकर ये चलना खरीद रहे हैं। जैसे कि मैं इसमें बेल्ट देख पा रहा हूँ बेल्ट किस क्वालिटी की होने वाली है। बेल्ट हमारी ओम्फा कंपनी की है बढ़िया क्वालिटी है नंबर 1 की है। हाँ जी जी क्वालिटी में हमारी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है
बिल्कुल नंबर एक की हम क्वालिटी देते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, जैसे कि जो हमारे किसान साथी खरीदना चाहते हैं, एक तो अपना एड्रेस बता दो और एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। हमारा जो एड्रेस है जो है गढ़ मुक्तेश्वर जिला हापुड़ लगता है हमारा। हाँ जी। नियर शिवा टूरिस्ट ढाबा। हाँ जी। ये अगर कोई मिसाल के तौर पे मेरठ से आना चाहता है या मुजफ्फरनगर से आना चाहता है, मेरठ से पड़ेगा हमारा 50 किलोमीटर। अच्छा। मुजफ्फरनगर से पड़ेगा करीब 80 किलोमीटर। अच्छा। और अगर मान लो कोई दूर का किसान है तो वो हमसे फ़ोन दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। वो हमसे नंबर है हमारा 8077060183 8077060183। एक दूसरा नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ 8868006787। दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैंने आपको न्यू नफीस वालों का धान चलना दिखाया। काफ़ी दूर दूर के किसान इस चलने को पसंद कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये रूटावेटर भी बनाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रूटावेटर बनाते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं रूटावेटर देख रहा हूँ, धान चलना तो आपका काफ़ी बेटर है, रूटावेटर की और खासियत बताइए। देखो, हमने जो है रूटावेटर जो बनाया है, हमने हमारा जो है फ्लाई किंग के नाम से हमने इसको लॉन्च किया है। अच्छा। न्यू नफीस एग्रीकल्चर के नाम से हमारी फर्म है। अच्छा। इसको हमने फ्लाई किंग के नाम से हमारा अपनी ये प्रोडक्ट है हमारा है। अच्छा जी जी। इसमें क्या क्या खासियत, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स कौन सा लगाया है? ये हमारा 13-23 का गियर बॉक्स है। अच्छा जी जी। 13-23 गियर बॉक्स है। 13-23 का गियर बॉक्स है। अच्छा। और इसमें हम जो है 90mm का पाइप लगाते हैं। 90mm का पाइप है जी जी। चार क्लंप के साथ? चार क्लंप दे रखे हैं। चार स्प्रिंग लगेंगे? चार स्प्रिंग इसमें यहाँ पीछे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको बात करूँ, ये हमारा जो है 7 फुट है 48 ब्लेड में। अच्छा जी जी जी। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ब्लेड की क्वालिटी क्या होने वाली है सर। ये बोरॉन स्टील का हमारा ब्लेड लगा हुआ है इसमें। अच्छा। अगर हम बात करें रूटावेटर की गारंटी वारंटी की, तो गारंटी वारंटी कितनी होने वाली है? तो मैं आपको वारंटी की बात बताऊं, इसमें वारंटी का ये है गरारी की, बेयरिंग की, सील की हमारी वारंटी है पूरी। कितने दिन की? एक साल की लगभग। एक साल की पूरी वारंटी है? पूरी वारंटी। अगर इसमें कुछ गियर बॉक्स में या हमारे ये साइड वाले गियर बॉक्स में कुछ होता है तो हमारी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें रहेगी। अच्छा जी जी। जैसे कि हम इसके नक्के देख पा रहे हैं, नक्के कितने हैवी बनाए गए हैं? नक्के ये हमारा जो है ये कास्टिंग वाला है नंबर एक का। हाँ। अच्छा। हाँ। किसान भाई आप देख सकते हैं नक्कों में भी बुश दिए गए हैं, जिससे कि इसके छेद चौड़े ना पड़े। कितना हैवी? हाँ जी। जितना हम लगा रहे हैं 10mm की प्लेट लगाई है इसमें। हाँ जी। और ये हमारा जो है करीब 10mm का ये हमारा टॉप है। हाँ जी। टॉप भी हमारा बहुत हैवी, मार्केट में आपने रोटावेटर देखे होंगे। हाँ जी। जो इतना जो है नंबर एक का रोटावेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा जी जी। रेट क्या होने वाले हैं इसके? देखो, रेट मैं आपको बताऊँ, मार्केट रेट से बहुत ही कम हम आपको प्रोवाइड करा देंगे किसान भाइयों को। अच्छा। ओनली 79,000 रुपये में। मात्र 79,000 में 7 फीट 48 ब्लेड मिलेगा? जी जी। 7 फीट 48 ब्लेड में 79,000 रुपये में रोटावेटर कहीं भी ऑल इंडिया हम प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा। पर ये है ट्रांसपोर्ट, ये है पार्टी का रहेगा। अच्छा जी जी। ट्रांसपोर्ट पार्टी का रहेगा। 79,000 में 7 फीट 48 ब्लेड खरीद सकते हैं आराम से। अच्छा अच्छा। दूसरी बात ये है, इसका हमारा जो है पीछे जो नक्के लगाए हुए हैं जी, देखो ये मार्केट में देखा होगा आपने, भोगली लगा देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो क्या होता है स्प्रिंग में कान लो कहीं जंपिंग ज्यादा हो गई, टूट जाता है वो एकदम से। हाँ जी। ये नहीं टूटेगा ये। अच्छा जी, जी। काफी हैवी पटला बनाया है, पटला बनाया है हमारा पीछे का। अच्छा अच्छा। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और बता दो। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ। हाँ जी। मैं किसानों को एक चीज और कहना चाहूंगा अपने आपके चैनल के अकॉर्डिंग। हाँ जी। जो मार्केट के अंदर एक बात चल रही है कि हाँ जी 11 इंची तक जुताई चलती है, 10 इंची तक जुताई, भाई साहब मेरा रोटावेटर हो या किसी और का 6 इंची तक से ऊपर अगर जुताई कर दे तो मैं अपना रोटावेटर फ्री छोड़ दूँगा। अच्छा। 6 इंची से भाई साहब 7 इंची कर पाए? 6-7 इंची मैक्सिमम है। अच्छा। वो लोग ये कहते हैं ना 10 इंची 11 इंची। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल झूठ झूठ बात है, बिल्कुल फोड़ वाली बात है। अच्छा जी जी जी। किसान भाई आप देख सकते हैं ऐसी बात नहीं है, फिलहाल इन्होंने भी बड़ा लगा रखा है, पर जो सच बात है वो बता रहे हैं, ऐसा झूठ नहीं कर रहे कि 11 इंची बहुत होता है। 11 इंची देखो मैंने और भी वीडियो देखी है मार्केट। हाँ के अंदर जो चल रही है। हाँ जी। जो लोग ये कहते हैं कि मतलब 11 इंची तक ना चले तो 2,00,000 रुपये इनाम के। हाँ जी भाई साहब, अगर 11 इंची जो दे तो मैं रोटावेटर अपना फ्री छोड़ूंगा। अच्छा, जैसे कि हम इधर हैरो देख रहे हैं, हैरो भी मिल जाती है आपके पास? हैरो भी हमारे पास मिल जाएगी, टीलर भी है हमारे पास अवेलेबल। अच्छा। ये 14 डिस्क की हमारी हैरो रखी है। इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसका जो है 45,000 रुपये। जी जी। और जैसे कि हम इसके चैनल वगैरह देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है करीब 3.5 इंची की एंगल लगी हुई है। अच्छा जी। कितना वजन होगा हैरो में? वजन इसमें 4.5 क्विंटल है। 4.5 क्विंटल, काफी हैवी बनाई गई है। काफी हैवी बनाई है, मार्केट में देखा है मैंने 2.5 इंची की एंगल लगाते हैं लोग इसमें। अच्छा जी।
और टिलर वगैरह का क्या रेट रहेगा? हमारा जो है ये हमारा क्लच वाला है। हाँ जी, दे देंगे हम मात्र 25,000 रुपये में। 25,000 रुपये में टिलर ओनली? अच्छा जी जी। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको न्यू नफीस एग्रीकल्चर के सभी इम्प्लीमेंट्स दिखाए। यहाँ आपको रोटावेटर मिल जाएगा, धान चलना मिल जाएगा, हैरो, टिलर, मांझा, जो भी आपके ट्रैक्टर के पीछे जो भी यंत्र लगता है, सारे यंत्र यहाँ आपको मिल जाएंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।